नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं फिन निफ्टी कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो गाइस, अगर किसी ने निफ्टी का लेवल अगर कल के देखे होंगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से आपके सपोर्ट लिया है। तो कम से कम कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो डेली बेसिस लेवल्स देख सकते हैं। तो कल निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी, इन तीनों में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने भी आपके कल का लो ब्रेक किया। बैंक निफ्टी ने भी आपके कल का जो लो था, फ्राइडे का जो लो था, वो ब्रेक किया। लेकिन अगर फिन निफ्टी की बात करते हो तो फिन निफ्टी ने एक भी लो ब्रेक नहीं किया। जो फ्राइडे का लो था उसको ब्रेक नहीं किया। अगर आप निफ्टी की बात करते हो वनडे के चार्ट पे, तो उसने अपना पूरा का पूरा एक जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे की साइड ही क्लोजिंग दी है। तो फिर निफ्टी अगर आप देखो तो एक बढ़िया सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से। तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारी कोई नेगेटिव पोजीशन रहेगी, अदरवाइज हम यहाँ पे एक बाय की पोजीशन ही रखेंगे। और अगर इसका फिबो से अगर हम रिट्रेसमेंट देखते हैं तो कहाँ से कहाँ तक इसने दिया है, लेकिन अभी इसका 0.768% तक ये करीबन आ रहा है 19,670। तो यहां तक एक टच होना चाहिए। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टच कर लिया, निफ्टी ने भी इस पॉइंट पे टच कर लिया। तो एक जो रिट्रेसमेंट होता है मार्केट का, तो अगर ऊपर के लेवल पे हाल फिलहाल अगर इसको देखते हो तो ये एक एम पैटर्न बनाया है। ठीक है, अब यहां तक आया है। अब एम पैटर्न कंफर्मेशन कब आएगी, जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आएगा। इस पॉइंट को अगर ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये एम पैटर्न का जो हाल फिलहाल इसी पॉइंट तक बना है, अब यहां तक आया, तो ये एक एम पैटर्न तो बन गया इस पॉइंट से। लेकिन इसको ब्रेक करता है या फिर यहां से एक अगेन एक ऊपर की अप मूवमेंट दे देता है, यहां पे आके दो पॉसिबिलिटीज होगी। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल कभी करीबन बहुत बड़ा आएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल आपका आ जाएगा करीबन इस पॉइंट के आसपास, मतलब 18,000 के आसपास तक का एक ये वाला लेवल यहां तक आ सकता है, 19,200 तक। तो हाल फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारी एनालिसिस रहेगी। तो कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो बाय की पोजीशन हमें हमारी होगी करीबन 19,933। देखो ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट आपको 20,030, 19,933 इस जोन, ये वाली लाइन के पास में आप अपनी एक रेखा खींच लेना, एक ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो अपन ने रेजिस्टेंस यहाँ पे करीबन 19,20,030 और 19,930, 933, 930, 33 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 20,030 और 19,935। इसके ऊपर ही हमारी यहां से अगर ये वाला मार्केट इसको निकालेगा तो हमारी बाय की पोजीशन हो जाएगी। कहां तक, एटलीस्ट इस पॉइंट तक, मतलब 20,030 तक के लिए। एसएल फिर हमारा हो जाएगा 19,900 का। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो भी हम बाय की पोजीशन करेंगे, गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो भी हमारी बाय की पोजीशन रहेगी। गैप अप होके अगर सस्टेन करेगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज अगर मान लो रिजेक्ट होके वापस आपके 19,900 आ गया, गैप अप अगर होके 19,900 का लेवल तोड़ देता है तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बैठ जाएंगे। 19,940 का हमारा एसएल हो जाएगा। नीचे में हमारे टारगेट कहाँ तक आ जाएंगे, 19,785, 19,835। तो पहले 19,835, फिर अगर 19,835 में हमारी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, उसके बाद में अगर कंटिन्यू रहा तो फिर बाकी क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेल करते हुए 19,785 के लेवल तक नीचे की साइड में ले आएंगे। अब है 19,700 का लेवल। अगर मार्केट आपको चाहे कल गैप डाउन खुले चाहे गैप अप मिले, 19,700 के लेवल के पास में मिलता है, 19,700 के लेवल में अगर मार्केट मान लो यहाँ से रिजेक्ट होता है, अगर ये वाली देखो मार्केट आपको डेली अगर सही तरीके से ट्रेड करें तो एटलीस्ट टू ट्रेड, एक ट्रेड एक ट्रेडिंग सेशन में देता है।
जैसे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर हमारी एनालिसिस थी 19725 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाय की पोजीशन करेंगे, और अगर नहीं निकला रिजेक्ट हुआ तो हम एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। मॉर्निंग में 19725 के पास में मार्केट गया नहीं, हमें एक एसएल मिल गया, वहां से हमारी सेल की पोजीशन कहाँ तक थी ये भी हमारा डिसिप्लिन था, डिसाइडेड था 19600 तक। तो एक ट्रेड आपको ये मिली। सेकंड, हम यहाँ पे अगर 19600 के पास में मिलेगा तो हम एक बाय की पोजीशन में बैठेंगे। तो 19600 के पास में एग्जैक्ट 19600 का लो है, वहां पे अगर हम 10 पॉइंट का 19590 का अगर आपने ऐसा डाल के ऊपर की साइड बैठे हैं तो 19725 तक के टारगेट आपको अगेन मिले हैं। तो इसी तरह से कल आपको इसमें भी मतलब एक डेली जो सेशन होता है इस ट्रेडिंग का, दो ट्रेड आपको मार्केट देता है, दो ट्रेड देता है, या फिर जैसे 20-30% डेज के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर से 3-10 दिन अगर आपको एक ट्रेड मिलेगी और बाकी 20 दिन के अंदर करीबन दो ट्रेड मिलेगी। तो अगर मार्केट यहाँ पे मान लो जैसे आपने ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन वाली ट्रेड है 19935 के आसपास की, ये वाली ट्रेड में अगर आप एंट्री नहीं कर पाए तो एक यहाँ पे रुक के एक ब्रेकआउट दे, बाय की पोजीशन यहाँ पे बनेगी। तो इस तरह से दो ट्रेड आपको मार्केट दे सकता है। तो अगर यहाँ पे आता है 19700 के आसपास तो हमारा एसएल रहेगा 19690 का एसएल, और ऊपर के लेवल पे हमारे अगेन टारगेट 19785, 19835 और 19 आपके 930, ये तीन टारगेट के लिए गैप डाउन हो चाहे फ्लैट खुल के आए चाहे कैसे भी आए नीचे मिलेगा 19700 के पास में तो हमारी बाई की पोजीशन रहेगी। फ्लैट का ऊपर की साइड देख लिया, फ्लैट खुल के नीचे आता है तो नीचे नीचे अगर आता है तो उसको आने देना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सेल की पोजीशन बनाओगे तो एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। मान लो मार्केट यहाँ तक आया, आपने यहाँ तक अपनी पोजीशन को बुक नहीं किया, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट चल रहा था आपने बुक नहीं किया, मार्केट ने आपके इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर चला गया, तब आपका एसएल तो जाएगा ही जाएगा और ये वाला जो प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा यहाँ तक। तो एटलीस्ट यहाँ पे कहीं पे भी इस जोन के पास में आने दें, क्योंकि ये वाले जोन में कल भी यानी कि निफ्टी ने देखो कल भी निफ्टी फिर निफ्टी का लो यहीं पे के आसपास था ये वाला, और यहां से आज भी यानी कि शानदार इसने यहीं पे सपोर्ट लेके एक अगेन अप मूवमेंट दी है। तो या तो ऊपर के लेवल पे सेल करें जहां पे आपको एसएल पास में हो, जैसे 19935 है, अगर वो वाला लेवल ऊपर के लेवल पे आके 19900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम एक पुट की पोजीशन नीचे में करीबन 80 से 90 पॉइंट के लिए नीचे की साइड में पुट की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो जैसे मान लो मॉर्निंग में डायरेक्ट यहीं खुल गया तो यहाँ पे जैसे इस ब्रेक चेन का जैसे ये बॉक्स बॉक्स बनाया ऐसे बॉक्स का ब्रेकआउट देगा, हम इमिडिएटली एक कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, ऊपर में हमारे 80-90 पॉइंट के अगेन टारगेट हो जाएंगे, नीचे में 20 से 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग करना शुरू करें, एक ट्रेड दो ट्रेड, एक ट्रेड मिलती है मस्त रहो, दो मिलती है तो ज्यादा मस्त रहो, और अगर एक भी नहीं मिलती तो वो उस दिन उस ट्रेडिंग सेशन को इग्नोर करो, तभी तो प्रॉफिटेबल रहोगे, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। वीकली एक्सपायरी के ऊपर मैं डेफिनेटली एक ट्रेड देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।